भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण आईपीएल को बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाले राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई ने हैरानी जताते हुए कहा है कि जब भारत में इतनी बड़ी स्वास्थ्य समस्या है तब आईपीएल टीमों के मालिक इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च कर रहे हैं। एंड्रयू टाई ने कहा कि इसे भारतीय नजरिए से देखें तो ये कंपनियां और फ्रेंचाइजी ऐसे समय में आईपीएल पर इतने पैसे खर्च कैसे कर रही हैं जब देश में लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा है। एंड्रयू टाई ने एक निजी वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा कि अगर खेल जारी रखने से लोगों का तनाव दूर होता है या आशा की एक झलक दिखती है जैसे सुरंग के उस पार प्रकाश होता है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इसे जारी रखना चाहिए। एंड्रयू टाई ने कहा, लेकिन मैं मानता हूं हर किसी का सोचने का एक तरीका नहीं है और मैं सभी के विचारों का सम्मान करता हूं। आईपीएल में खिलाड़ी सुरक्षित है लेकिन उनके मन में यह सवाल रहता है कि वो कब तक सुरक्षित है। इस 34 साल के खिलाड़ी ने भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अपने देश में एंट्री बैन होने की आशंका से आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया है। टाई ने कहा कि उनके गृह नगर पर्थ में भारत से जाने वालों को क्वारंटाइन के बढ़ते मामलों के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। टाई ने राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है और उन्हें 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें।